तो दोस्तों इस वीडियो को हम एडिट करेंगे VN ऐप में एंड VN आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाता है। आप सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो। जब आप ओपन करते हैं इस तरह का इंटरफेस आपको मिलता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस वीडियो को बनाने के लिए आपको कितने फ़ोटोज़ की ज़रूरत है। तो आपको ज़रूरत है 14 फ़ोटोज़ की एंड फ़ोटोज़ इम्पोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ प्लस आइकन आपको मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड फ़ोन लाइब्रेरी से आपको 14 फ़ोटोज़ अपने सेलेक्ट करने अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से आपको 14 फ़ोटोज़ यहाँ पर ले लेने हैं एंड यहाँ लास्ट में आपको VN का डिफ़ॉल्ट क्लिप मिलता है, इसको आपको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेना है क्योंकि ये हमारी वीडियो में ऐड हो जाता है, तो इसलिए सबसे पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारे जो फ़ोटोज़ हैं उनकी जो रेशियो है वो सही नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। तो क्वालिटी अच्छी करने के लिए आपको यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है एंड 9:16 की रेशियो आपको सेलेक्ट करनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अभी हमारे जो फ़ोटोज़ हैं वो परफेक्ट आपको शो होंगे। अगर सही से एडजस्ट नहीं है तो आपको फ़ोटोज़ को एडजस्ट भी कर लेना है। इस तरह से फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इस तरह से आपको मूव करनी है अपने फ़ोटोज़ को। ओके, अब दोस्तों हम यहाँ पर म्यूज़िक ऐड करेंगे। म्यूज़िक के लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आपको वहाँ से म्यूज़िक मिल जाएगा। ओके, जब आप म्यूज़िक डाउनलोड कर लेंगे तब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको प्लस पे क्लिक करना है, देन आपको म्यूज़िक पे क्लिक करना है। तो जब आप म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे एंड वहाँ से आप सेव करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है म्यूज़िक। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर मेरा ऐड हुआ है तो आपको यहाँ पर चूज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ओके, देन आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा म्यूज़िक बीट्स का, आपको म्यूज़िक बीट्स के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, साउंड को प्ले करना है। अब मैं यहाँ पर आपको साउंड तो सुना नहीं सकती, ओके, क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज होते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर प्ले बटन है, म्यूज़िक को प्ले करना है एंड जहाँ जहाँ पर बीट्स आती हैं वहाँ वहाँ पर आपको यहाँ फ्लैग के ऑप्शन पर क्लिक करते रहना है। ओके, बीट्स लगाते रहना है, 14 बीट्स आपको लगानी है। अब मैं थोड़ा सा बीच में आपको हिंट दे दूंगी बट मैं फुल म्यूज़िक नहीं सुना सकती। ओके, तो चलिए बीट मार्क लगाते हैं यहाँ पर। ओके, इस तरह से आपको बीट मार्क लगाने हैं, यहाँ से आपको डन कर लेना है। ओके, अगेन आपको यहाँ से डन करना है। इस तरह से हमारे बीट मार्क लगेंगे एंड इन बीट मार्क के अकॉर्डिंग अब हमें अपने फ़ोटोज़ की ट्रिमिंग करनी है। ओके, तो ट्रिम करना बहुत आसान है, बस आपको इस तरह से फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना होता है। इस तरह से आपको यहाँ पे जैसे कि मार्क है इस तरह से आपको आना है मार्क पे, इतनी आपको ट्रिमिंग करनी है। जैसे कि मेरा फ़ोटो फर्स्ट जो है वो परफेक्ट ड्यूरेशन के साथ है, सेकेंड भी एंड थर्ड थोड़ा ज़्यादा है, तो इस तरह से मुझे ट्रिम करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं ट्रिमिंग कर लेती हूँ, देन आपको बाद में ड्यूरेशंस भी बता दूंगी कि क्या क्या ड्यूरेशन आनी चाहिए। Somebody else and that is you. Ooh, ooh, falling with you. Not the only one dreaming me. You already feel it.
तो इस तरह से दोस्तों आपको ट्रिमिंग करनी है। एंड वैसे तो आप बीट मार्क के थ्रू आसानी से कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है, एक बार ट्राई करके देखें। बट अगर आप बीट मार्क के थ्रू नहीं भी कर पाते हैं तो फटाफट से आप ड्यूरेशंस नोट कर लीजिए, मैं आपको ड्यूरेशंस भी बता देती हूँ। ओके, आपका फर्स्ट फोटो आएगा 1.42 सेकंड के लिए, सेकंड आएगा 1.92 सेकंड के लिए, 0.38 थर्ड फोटो, देन उसके बाद 0.46 सेकंड, 0.44 सेकंड, 0.41 सेकंड, 0.40 सेकंड, 0.46 सेकंड, 0.41 सेकंड, 0.49 सेकंड, 0.41 सेकंड, 0.44 सेकंड, उसके बाद 0.45 सेकंड, देन लास्ट में आपको 0.81 सेकंड रखनी है। अब दोस्तों अगर बीट मार्क के अकॉर्डिंग आप अपने फोटो को लगता है कि सही से सिंक हो रहा है, अच्छा लगता है, तो ज़रूरी नहीं है आपको बिल्कुल ड्यूरेशन के हिसाब से रखने, क्योंकि लिटिल बिट ऊपर नीचे हो जाता है। ओके, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। एंड अगर आपने बीट मार्क सही से नहीं सुना है तो आप वीडियो को बैक कर सकते हैं। ओके, एंड दोबारा से आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं अपने फ़ोटोज़ में, तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि बाद में कमेंट करते हैं कि हमें ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, बहुत आसान है। तो आपको सबसे पहले एफएक्स के लिए क्या करना है, मैं पहले बता दूँ, हमारे जो दो फोटो हैं उसमें हम अलग एफएक्स यूज़ करेंगे। ओके, एंड बाकी के जितने फ़ोटो हैं उनमें हमें एक ही एफएक्स यूज़ करना है। तो हम पहले दो फोटो को छोड़ देंगे क्योंकि उनमें अलग आएंगे, एंड ये जो लास्ट के फ़ोटोज़ हैं जिन्हें हमें एक ही एफएक्स यूज़ करना है, उनको हम पहले यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ एफएक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, एंड यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको जिटर डाउन का, जिटर डाउन करेंगे एंड इसको रखेंगे 0.20 सेकंड के लिए। ओके, पूरी तरह से आपको डिक्रीज़ करना है एंड यहाँ आपको अप्लाई टू ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जो दो फोटो हैं उनमें भी अप्लाई हो जाता है क्योंकि अप्लाई टू ऑल करा है। इनमें से हमें फ़ोटो के ऊपर आना है इस तरह से, जिनमें हमें नहीं चाहिए फ़ोटो के ऊपर आना है आपको, एफएक्स पे जाना है एंड जिटर डाउन को हमें इनसे नन कर लेना है। इस फ़ोटो के ऊपर आना है, एफएक्स पे आना है एंड यहाँ से नन कर लेना है। ओके, एंड बाकी में हमारा अप्लाइड रहेगा। अब हमें ये जो फर्स्ट फोटो है इसमें एफएक्स पे जाना है एंड इसके ऊपर हमें यहाँ स्टार्टिंग में ब्लैक वाइट एफएक्स मिलता है, इसको वाइट एफएक्स करेंगे। ओके, एंड इस तरह से आपको इसको 1 सेकंड के लिए रखना है। ओके, यहाँ से आपको डन करना है। देन आपका जो सेकंड फोटो है उसमें एफएक्स पे जाएंगे एंड यहाँ आपको क्लिक करना है, एंड में आपको जूम आउट का ऑप्शन मिलता है, आपको जूम आउट करना है। ओके, इसको भी 1 सेकंड के लिए आप रख सकते हैं। वैसे आपको जैसे अपना फ़ोटो देखना पसंद करेंगे वैसे भी आप ड्यूरेशंस रख सकते हैं, बट अगर इस तरह से रखेंगे तो आपका फ़ोटो, आपका वीडियो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा। बस यही तो आपको करना है, बहुत आसान है। अब आप अपनी वीडियो को सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको यहाँ एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से डन कर लेना है। ओके, अपना वीडियो एक्सपोर्ट हो जाता है। अभी मैं यहाँ पर आपको वीडियो प्ले करके नहीं दिखा सकती हूँ। ओके, तो इसलिए जो भी मैं यहाँ पर एडिटिंग करती हूँ वो मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर लेती हूँ, आप चाहें वहाँ पर देख सकते हैं, इसी चैनल के नाम से मेरी आईडी है इंस्टा पे, तो आप वहाँ पर भी अगर नोटिफिकेशंस चाहते हैं हमेशा तो आप फॉलो भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ओके, यहाँ पर सेव टू एल्बम के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड आपका वीडियो सेव हो जाता है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आपको एडिटिंग करनी है, बहुत आसान है। अगर आप वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे तो डेफिनेटली आपका वीडियो बहुत अच्छा बनेगा। तो जो भी आपको प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आप नहीं भी बना पाते हैं तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल के थ्रू आपको इसी तरह के वीडियोज़ मिलते रहें, वायरल ट्रेंडिंग रील से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।